are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today I will give you the important questions of lesson number 4 in the Kingdom of Fools from our supplementary book Movement. Now, first is short answer type questions. Question number 1. What are the two strange things that Guru and his disciple find in the Kingdom of Fools? वे क्या दो अजीब चीजें थीं जो गुरु और उनके शिष्य को मूर्खों के राज्य में मिली? आंसर, द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर, फर्स्ट, एवरीवन स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट. सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वॉज द सेम, 1 डुड्डू, वेयर इट वॉज अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना इट वुड कॉस्ट द सेम. कि पहला, सब लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं, और दूसरा, बाजार में हर सामान खरीदने का मूल एक ही है, वो है 1 डुड्डू. चाहे वह चावल की कोई मात्रा हो, चाहे केले का पूरा गुच्छा हो, सबका जो कॉस्ट है वो एकदम सेम रहता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया? शिष्य मूर्खों के राज्य में रहने का क्यों निर्णय करता है? क्या उसका यह ख्याल अच्छा है? आंसर, द डिसिपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वॉज डिलाइटेड टू सी दैट एवरीथिंग कॉस्ट अ सिंगल डुड्डू. ऑल दैट ही वॉन्टेड वॉज वेरी गुड एंड चीप. अकॉर्डिंग टू द गुरु, स्टेइंग देयर वॉज नॉट अ गुड आइडिया एज देयर वर ऑल फूल्स. So he felt this situation would not last long and was not sure about what they would do in the future. शिष्य मूर्खों के राज्य में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वह ये देखकर बहुत खुश है कि हर एक चीज जो का जो दाम है वो 1 डुड्डू है. जो भी सामान वह चाहता है वह काफी अच्छा और सस्ता है. गुरु के अनुसार वहां रहना ठीक नहीं था क्योंकि सब मूर्ख थे. इसीलिए उसे लगा ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं चलेगी और उनका कोई भरोसा नहीं है कि वे भविष्य में क्या करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? गुरुजी के ज्ञान भरे शब्द क्या हैं और शिष्य को वह शब्द कब याद आए? आंसर, द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वर दैट इट वॉज द सिटी ऑफ फूल्स. ही एडवाइज्ड द डिसिपल टू लीव द सिटी because he would not know what they would do next. The disciple remembers this when he was going to be executed. कि गुरुजी के ज्ञान भरे शब्द थे कि ये मूर्खों का शहर है. उन्होंने शिष्य को शहर छोड़ने की सलाह दी क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि अब अगला कदम क्या होगा. शिष्य को यह बात तब याद आई जब वह सूली पर लटकाया जाने वाला था. Now next is long answer type question. How does the guru manage to save his disciple's life? Guru ne shishy ki zindagi kis tarah se bachai? Answer, the guru tries to confuse the king by expressing his desire to be killed first. Then to further confuse the king, he tells the story of becoming a king in the next incarnation. Apparently, it may sound like a case of pure lie to save your dear one's life. But if we go deeper, we realize that Guru was trying to save the life of all the people in the kingdom. Ultimately, he is able to pull everyone out of the misery of living in the kingdom of fools. Guru ne raja ka dhyan bhatkane ki koshish ki. Unhone apni ichha jahir ki ki ve pehle marna chahenge. फिर उन्होंने राजा को और उलझाना चाहा और यह कहकर कि जो इस सूली से लटक कर पहले मरेगा वही अगले जन्म में यहाँ का राजा बनेगा. यूं तो साफ ये झूठ लग रहा था लेकिन बात सिर्फ अपने को बचाने को कही होगी. पर अगर हम गहराई से देखते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा कि गुरु उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे. आखिरकार उन्होंने उस मूर्खों के राज्य के कष्टों को से सबको निकाल दिया. Now here are some other important questions. Why did the guru not want to stay the kingdom of fools? Guru murkho ke raj mein kyon rehna nahi chahte the? Answer, the guru did not want to stay in the kingdom of fools as the people over there were foolish. He felt that they could harm them. Second question, why did the king decide to postpone the execution of the guru and his disciple?
राजा ने गुरु और शिष्य की फांसी क्यों टाल दी? आंसर, द गुरु बिफूल्ड द किंग. ही टोल्ड हिम दैट द पीपल डाइंग नाउ वुड बी द किंग एंड मिनिस्टर इन देयर नेक्स्ट बर्थ. द फूलिश किंग बिलीव्ड द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड पोस्टपोन देयर एग्जीक्यूशन. So students, here we completed the questions, important questions of lesson number 4 in the Kingdom of Fools. So you have to write all these answers in your notebook, learn it and practice it.